दिल्ली एनसीआर समेत गाजियाबाद में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आगामी 17 नवंबर तक सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है, जिसके चलते राजनगर एक्सटेंशन में निर्माण कार्य पर रोक के बावजूद निर्माण कार्य होने पर जीडीए ने 2 सोसाइटी के 4 टावर सील कर दिए। दोनों बिल्डर पर करीब 2,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन ने ग्रुप एम्प्लीमेंट प्लांट 28 लोगों की टीम बनाई है। जो भी पॉल्यूशन करता हुआ पाया जाएगा उस पर दंड विधान कर भी लगाया जाएगा। प्रदूषण का स्तर केवल गाजियाबाद में ही नहीं बल्कि जो गाजियाबाद के आसपास का क्षेत्र है, आप नोएडा देख लीजिए, ग्रेटर नोएडा देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, गुड़गांव देख लीजिए, जो पूरा एनसीआर का क्षेत्र है वो प्रदूषण से प्रभावित है। और जो प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट है उसमें करीब 43% रीज़न इस प्रदूषण का पराली है। फिर भी जो शेष बचे हुए इश्यूज़ हैं उसको हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। अभी प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड का आदेश भी आया है जिसमें हॉट मिक्स प्लांट है और क्रशर स्टोन्स के जो हैं प्लांट हैं उनको बंद करने के निर्देश हुए हैं। कोल बेस्ड जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल कॉलेज भी बंद हो गए हैं। हमने भी एक अपना GIS बनाया है, ग्रैप इम्प्लीमेंटेशन स्क्वाड, जिसमें 28 अधिकारियों की टीम है जो राउंड द क्लॉक शिफ्ट वाइज जनपद में भ्रमण करती है और ऐसी गतिविधियों को प्रतिबंधित करने का कार्य करती है।